Desi Vibe. A Desi Vibe. With Shehnaz Gill. She's got the vibe. Hello everyone, this is Shehnaz Gill. So, सर क्यों दुख रहा है? परफ्यूम ज़्यादा लगा लिया क्योंकि आज जो मेरे मेहमान आने वाले हैं ना, मैं उनको मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और ना मेरे को ना यहाँ पे कुछ हो रहा है, जैसे पैनिक, क्या बोलते हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं नहीं, हाँ या ना, हाँ ओके. और मेरे ना कोल्ड भी हो रहा है, शायद वो जब नर्वस होती हूँ ना मैं तो तभी होता है मेरे साथ, क्योंकि ऑफकोर्स जो इंसान आ रहा है वो कॉमेडियन भी है, होस्ट भी है, एक्टर भी है, सब कुछ ही है, सिंगर भी है, तो मैं तो ऑफकोर्स उनके सामने डरूंगी ना, क्योंकि मैं उनकी आज इंटरव्यू नहीं, मतलब बातचीत करने वाली हूँ मैं उनके साथ, एंड मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है. गाइज प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप नाम सुनोगे ना आपको खुद को ही समझ आएगा कि हाँ शहनाज, हाँ ये तो बड़ी बात है इनके साथ लाइक बातचीत करना, मतलब वन लाइनर आने एकदम से टक टक टक, तो मुझे थोड़ा सा, मैं आज थोड़ी शहनाज गिल डरी हुई है. सो प्लीज़ वेलकम कपिल शर्मा ऑन माय शो. आ जाओ, हो गया वेलकम, थोड़ी और क्लैपिंग प्लीज. हे गाइस, थैंक यू. गिल साहब कैसा? ये दूसरी बार जब भी डाल रहे हैं हम, हाँ, कैमरे के लिए तुसी बैठ सकते. अच्छा जी, शुक्रिया, थैंक यू. खाली कप रखा है कप खाली ही या तुसी भरना? ओ सॉरी, नहीं नहीं ठीक है, आपने भरना है. नहीं, आपा ग्लास ही भरी दे, कप को भरने नहीं. ग्लास भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि YouTube पे आना है. ये कपिल शर्मा शो नहीं है, ये शहनाज गिल शो है. गिल साहब बहुत बहुत मुबारक, बड़ा क्यूट है तेरा शो, बड़ा मजा आंदा देख के. थैंक यू सो मच. मैं पहली बार शहनाज को, मैं फैन हूँ इनका, और पहली बार मिल रहे हैं हम लोग ऐसे पर्सनली, और इतना ट्रांसफॉर्मेशन, वाह क्या बात है गिल साहब. मैं सीरियसली दसा, पहली गल तो यह कि तुसी क्या, मैं तुसी मेरे फैन, मैनू पच नहीं रही यह गल. मैं भी वैसे क्या सी, कोई एडी गल नहीं. मैनू पता सी वन लाइनर होने आज वन लाइनर. सीरियसली तुसी आप बड़ा प्यारा बोलते हो, और आपका कनेक्शन पब्लिक के साथ बड़ा मजेदार है, क्योंकि आप जो भी दिल से है वैसे ही हो. सो ऐसे ही रहो, गॉड ब्लेस. सेम टू यू. सेम टू यू, गॉड ब्लेस यू. ते हां, और दसो किदा, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूं, आप सुनाओ. क्यों अच्छे क्यों हो आप? हैं अच्छे क्यों हो आप? भगवान ने बनाया ही अच्छा, मैं क्या करूं अभी. तो हिंदी तो मुझे आज आ ही नहीं रही, मैं क्या करूं, कैसे, मतलब नहीं, बड़ी अच्छी हिंदी बोल रही हैं आप, पंजाबी में हिंदी बोल रही. पता है मेरा आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. अच्छा, कैसे? क्योंकि लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती. अच्छा, तो उससे क्या है? तो मेरे लिए ना आप इंस्पिरेशनल, की इंस्पिरेशन ना, इंस्पिरेशनल नहीं हो आप मेरे लिए, गॉड हो. ओ जा प्रभा, गॉड से भी ऊपर हो, है कुछ गॉड से ऊपर. पता क्यों? क्योंकि मैं क्या, मैंने बोला कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो कपिल शर्मा कौन सा आती है? नहीं, बट हु टोल्ड यू आई डोंट नो इंग्लिश? आई कैन स्पीक बेबी. आई कैन आल्सो स्पीक बेबी. बस एनी की चाहिए हुंदी है. नो नो, कंटिन्यू विद दिस शिट. लेट्स टॉक इन इंग्लिश. कम ऑन, लेट्स डू इट. सो व्हाट्स गोइंग ऑन? Why your body language is changed? Thirsty crow. Suddenly. मैं सुनाऊँ पूरा? Yeah. Thirsty crow नहीं. तुसी बोलना. ऊँट ऊँचा. ऊँट की पीठ ऊँची. ऊँची पीठ ऊँट की. Same. जो इन्होंने बोला. नहीं नहीं. ऊँट ऊँचा. ऊँट ऊँचा. ऊँट की पीठ ऊँची. ऊँची पूँछ ऊँट की. पांच बार बोलो. जल्दी जल्दी. जे तो तुम जल्दी जल्दी. पांच बार बोलने से क्या होगा? मेरी मन्नत पूरी होगी. मैं दस दी हूं, मन्नत पूरी नहीं, मैं दस दी हूं. जे तो इन्होंने, अगर तो इन्होंने पांच बार ये बोल दिया तो मैं बोलती हूं मूवी तो सुपर डुपर हिट आ. तो अगर चार बार हो गया तो? चार बार भी चलो, तीन बार भी चलो, पर जल्दी जल्दी करना. दोबारा एक बार फिर आप रिपीट करेंगे. ऊंट ऊंचा. ऊंट की पीठ ऊंची. ऊंट की पीठ ऊंची. ऊंची पीठ ऊंट की. अच्छा, खुद तो खराब बोल रही है, मुझे बोल रही कि चार बार बोल रहे हो. ठीक है, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की सब कुछ ऊंचा. बोलो बोलो बोलो. हाँ, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की. हाँ हाँ, ऊंट ऊंचा, ऊंटनी भी ऊंची, दोनों ऊंचे ऊंचे. ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, गाड़ कट. पूंछ ऊंची ऊंट की.
चार बार गाइस कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, होता है, बड़े बड़े नहीं कर पाते जो मैं कर पाती हूँ। मैंने मेरे शो में पूछा था, मैं जिसको पूछ रहा था मैंने कहा आपने ऐसा बोला, कहते कैसे बोल के बताते, जब मैंने बोला ना तो मेरे से नहीं बोला गया। बड़ी बार होता है ऐसे, टंग ट्विस्टर जो थोड़े होते हैं। अच्छा, तो आपको तो पहली बात तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। शुक्रिया गिल साहब। आप नंदिता दास के साथ आपने काम किया, तो मतलब बहुत मुश्किल होता है कि जैसे कॉमेडी में आप कॉमेडी करते हो और एकदम से आर्टिस्ट टाइप पिक्चर करनी, राइट? कॉमेडियन आर्टिस्ट नहीं होता, कॉमेडियन सबसे अच्छा आर्टिस्ट होता है, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं ना कर पाते। हाँ, एक्चुअली क्योंकि लोगों तो, को आदत है ना हमेशा दांत देखने की हमारे, तो उनको लगता है कि अच्छा ये सीरियस रोल कैसे कर रहा है। हाँ, पर हाँ जो मुझे जानते हैं, हाँ, जो जैसे आपके शो में टीम में ही है, मेरे दोस्त हैं मनोज, हाँ, हाँ, जो आप आसपास वाले लोग उनको तो पता ही होता है, पर हाँ दुनिया को जब तक आप कुछ करके ना दिखाओ उनको वो मानते भी नहीं है। सो हाँ लोग थोड़ा शॉक्ड हुए लेकिन अप्रिशिएट कर रहे हैं बहुत। तो लोगों को पछता नहीं है कि ये कॉमेडी के बाद ये बंदा ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, सिंगिंग भी करते हो आप, सब कुछ कर रहे हो, इतना घूम घुमा के आप शहनाज गिल के शो में आ गए, कैसा सफर रहा आपका? बहुत अच्छा सफर रहा। मुझे जो प्यारे लोग होते हैं ना, अच्छे लोग होते हैं, दिल वाले लोग होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और एक अपना पंजाबी कनेक्शन तो है ही। हाँ। मुझे बड़े सारे लोग ट्वीट करते रहते हैं, पता है शहनाज गिल को आप अपने शो पे कब बुलाएंगे। हाँ। तब पहले पहले तो मुझे लगा शायद आपका कुछ चैनल का कॉन्ट्रैक्ट होगा जब आप बिग बॉस कर रही थी। हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद भी शायद आपको आए होंगे फोन हमारे, पता नहीं। आते रहते हैं, लेकिन मुझे पता क्या है, जैसे आप आए हो आज, कितनी बड़ी प्रमोशन करने आए हो आप अपनी मूवी के लिए, मुझे है कि जिस दिन मैं भी जाऊँ ना कपिल शर्मा के शो पे, तो मैं भी ऐसे ही जाऊँ मूवी को प्रमोट करने। हाँ। वैसे कोई प्यार मोहब्बत वाली, मतलब ऐसे कोई दिल, अभी कह रही थी मेरा बड़ा कनेक्शन है। नहीं, ऐसे भी मैं आ सकती हूँ। हाँ, तो आ जाओ। लेकिन फिर मेरा कुछ ऐसे नहीं होता कि कुछ आए तो ही आना पड़ता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जरूरी थोड़ी, मेरा कुछ आता है मैं जाता ही हूँ हर हफ्ते। मतलब फालतू लोग भी आ सकते हैं आपके शो में? हाँ। तो ठीक है, मैं फालतू गिरी करने आ जाऊंगी वो। आप तो आइए, मोस्ट वेलकम। ठीक है, ओके, आई विल कम व्हेन यू आर कॉलिंग मी, व्हेनेवर यू आर कंफर्टेबल, व्हेनेवर यू वांट टू कम प्लीज। बट नाउ योर मूवी इज रिलीजिंग, प्लीज कैन आई कांट यू नो प्रोनाउंस दैट मूवीज नेम। ज्विगेटो, ज्विगेटो, ज्विगेटो। हाँ जी, ज्विगेटो, लाइक डिफिकल्ट फॉर मी टू लाइक। मुझे भी किसी ने कहा कहता है आपकी फिल्म आ रही है, आपके नूडल आ रहे हैं, मतलब ये नाम ही ऐसा है ना, पर हाँ। ज्विगेटो किद्दा, मतलब बहुत ही ज्विगेटो, दो दो चीज़ों को मिला के बन रहा वा ज्विगेटो, काइंड ऑफ, है ना? हाँ। सो हाँ, ये मतलब मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, हमारे प्रोड्यूसर और हमारी जो डायरेक्टर है, ये उन्होंने नाम दिया है फिल्म को। और अच्छा है, आपको अच्छा लगा ट्रेलर देखा आपने? मैं जब आपका टीजर आया था ज्विगेटो का, तो मैंने क्या आपको मैसेज नहीं किया था? मैं बिल्कुल, इन्होंने मुझे मैसेज किया था कि बहुत अच्छा ट्रेलर है। मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आई जब आपने ये स्टेप लिया, मतलब आर्टिस्ट टाइप काम है ये, हर कोई रिस्क नहीं लेता इतना बड़ा। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा वाओ यार, नंदिता दास के साथ काम किया आपने, मेरे लिए भी एक वो था। और ऊपर से जब मैंने टीजर देखा आपकी, मेरे को जो सीरियस एक्ट देखा मैंने, तो मैंने कहा कुछ तो सही किया है, कुछ तो मज़ा आने वाला है। तो मैंने आपको जल्दी जल्दी से ऐसे लिख दिया कि मैंने कहा मेरे को बड़ा मज़ा आया, आप ऐसे इतना अच्छा काम करो। और मेरे आसपास वाले लोग जितने भी थे ना, कहते यार, वो शॉक्ड थे सारे कि यार कपिल शर्मा ने ये क्या कर दिया, नेक्स्ट लेवल। अरे बाप। मैं एक्चुअली पता है टीवी पे कॉमेडी करने से पहले मैंने पहले जो प्लेस करते थे हम लोग, थिएटर करते थे, यूथ फेस्टिवल थे। हाँ, यूथ फेस्टिवल भी, और यूथ फेस्टिवल के बाद भी प्रोफेशनल थिएटर भी करते थे, तो तकरीबन सीरियस ही प्ले होते थे हमारे कभी, मतलब कॉमेडी तो बाय चांस हो गई। क्योंकि आए हम लोग लाफ्टर चैलेंज के लिए ऑडिशन दिए, और फिर अपने आप भगवान रास्ते बनाता रहता ना, तो बस ऐसे ही हो गया। अभी देखो, आपने कभी थोड़ी ना कभी सोचा होगा कि मैं बिग बॉस जाऊंगी, ऐसा होगा। आप तो पहले वीडियोज़ भी कर रही थी, मैंने देखे आपके, है ना, बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक वीडियोस करती थी, तो ऐसे ही भगवान रास्ते बनाता रहता, आप काम करते रहो। पता क्या है, जो किस्मत में होगा ना, वो मिलना ही मिलना है। हाँ। बट एक बात है, मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी। हाँ, बिल्कुल। हाँ। ये थोड़ी ना सोच के बैठ जो किस्मत में मैं मशहूर होना ही है, शो तो करना ही पड़ेगा ना आपको, जैसे आज आप अपना शो कर रही हैं। और क्या, काम करते रहना, इसीलिए पता है स्कूलों में बचपन में लिखा होता ना, कर्म ही पूजा है। अच्छा। हाँ, तो पहले तो हमें नहीं समझ आती थी ना ऐसी बातें। पहले तो मुझे लिटरली लगता था कि कर्म नाम का बंदा, उसी वही पूजा है शायद। अच्छा। तो है ना, हमें तो बड़े होकर पता चलता ना कि क्या वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, कि मेहनत करते रहो। मेरे पापा भी यही बोलते थे कि जितनी आप पहले मेहनत कर लो फिर आगे चल के ऐश करोगे, नहीं तो अभी ऐश करते रहोगे तो सारी उम्र मेहनत ही करते रहोगे फिर। तो वो बात, वो भी बचपन में नहीं समझ आती थी क्यों बोलते थे।
लेकिन आपकी तो जर्नी कहीं और से स्टार्ट होने लगी थी, आप तो एकदम से ही रास्ता बन गया, आप तो बार में 20,000 की नौकरी करने लगे थे, मेरी इंफॉर्मेशन में ये है। अच्छा, एक मेरे को जॉब मिली थी सिंगापुर में, इंडियन रेस्टोरेंट है, उसमें किशोरदा के गाने गाने, तो मैंने फिर मुझे किसी ने बोला कि आपको 25,000 रुपये मिलेगा, आपने मेरी सैलरी कम कर दी, 25,000 रुपये सैलरी थी। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, तो मैंने गाने, मेरे को किशोरदा का मैं वैसे ही बड़ा फ़ैन हूँ, तो अच्छा। जब मेरे को जॉब मेरी कंफर्म होगी ना, तो मैं 200 गाने और याद कर लिए मैंने। अच्छा। मैं कहा तो छा जाऊँगा जाके सिंगापुर। फिर मेरे हमारे मेंटोर भी हैं, मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा भाई मेरी एक नौकरी लग गई है। मेरा जी कहाँ किधर लगी नौकरी? मैं कहा जी वो मतलब सिंगापुर में गाना है। तो कहते तू सिंगापुर जाएगा तो 25,000 रुपये की सैलरी पे तो खुश हो रहा है, वहाँ पे कहता तेरा 20,000 तो खर्ची हो ना, बचा कितना 5,000, तो कहता इधर तेरे को 10,000 की लगवा देते नौकरी। तो मैं कहा यार बात तो ठीक है, होता ना उस समय जब आपके पास पैसे नहीं आप हाथ पैर मारते हो। तो मैंने फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, पता जब आप कुछ करना चाहते हो दिल से, हालात भी होते हैं यार, मैं आपको सही बताऊं, कई हमारे फादर की डेथ के बाद कुछ ना कुछ एक होता ना कि यार कोई तो कमाए घर में, किसी कोई नौकरी नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वो उस तरफ जाने लगा था शायद, पर भगवान ने बचा लिया। मतलब देखो वही आप जो बोल रहे थे कि जो होना है वो तो होना ही, ऊपर वाले ने लिखा है। सो फिर बस फिर मेरा क्लियर था, घोड़े के लगा होता ना इस तरफ, इधर उधर नहीं देखता हूँ, वो मेरा क्लियर था कि मुझे जाना ही है टीवी पे, मुझे लाफ्टर चैनल जब तक आ गया फिर तो मुझे ये था कि मैंने इस शो में जाना ही जाना है। तो लाफ्टर चैनल में कितना मिला? क्या पैसे? लाफ्टर चैनल में पैसे नहीं मिलते थे, लाफ्टर चैलेंज में मतलब पार्टिसिपेट करते थे आप, पर हाँ पॉपुलर हो गए, पैसे मिले थे जब विनर बना उसका। अच्छा। 10,00,000 रुपए मिला मुझे। ऐसे ही होता है, पता क्या है, और ना हमारी ना धरती भी वैसी है ना, अमृतसर, उधर से जो भी आता है ना, अमृतसर की रहने वाली हो? और क्या, ब्यास। अच्छा ब्यास। हाँ, धरती तो माझे की है ना। हाँ, माझे। तो माझे की धरती वैसी है, कुछ है ऊपर वाले का हाथ है उस। हाँ, कि मतलब जो भी आता है ना कुछ करके जाता है। पता मुझे नई नई चीजें पता चलती रहती है। कभी मैं राज बब्बर साहब के साथ इंटरव्यू कर रहा था, तो बातें करने लगे, उन्होंने मुझे बताया, कहते मेरा घर जो था दारा सिंह जी के घर के बैक साइड था। तो मैं कहा पाजी आप अमृतसर के रहने लगे थे? हाँ। एक खुशी होती ना कि आपके शहर से। फिर कल शर्मिला टैगोर जी आई हुई थी, तो मैंने उनको कहा कि आप हमेशा, आप इतनी बड़ी स्टार हैं, मतलब लोग नर्वस भी होते होंगे आपके सामने, आप कभी हुई हैं? तो उन्होंने नाम लिया बलराज सानी साहब का। अच्छा। मुझे पता आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही होंगी, बलराज सानी है ना, तो बलराज सानी बहुत बड़े ग्रेट एक्टर हुए हैं हमारी इंडस्ट्री के, वो भी अमृतसर के थे। मतलब कितने सारे यार, जितेंद्र साहब है ना, अक्षय पाजी के पापा अमृतसर के थे। लेकिन मैं एक बात बोलूं, आपने जितने भी नाम लिए ना, मैं उनमें से सिर्फ कपिल शर्मा पता है। मतलब आप छोटी हो बहुत, इसलिए मतलब एग्जैक्टली मतलब क्यों झूठ बोलना है ऐसे? नहीं, ठीक है, मतलब मुंह हिलाई दा जैसे मर्जी है, पर नहीं जो देख रहे हैं वो उनको पता होगा। उनको तो पता ही है, ऑफ कोर्स पता ही है, लेकिन हमारी नॉलेज अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। मुझे तो फिल्में भी अभी स्टार्ट की है ना देखनी। फिल्में नहीं देखती थी आप? पहले नहीं देखती थी, पहले खुद को ही देखी जा रही हूँ, तो फिल्में कहाँ टाइम मिलता है। अपना सिर्फ शहनाज गिल को देखती थी। कहाँ पे? मन मारा अभी थोड़ा कि मैंने कट कहाँ पे, क्या अपने आप को शहनाज गिल सर्च करो कितना कुछ निकलता है। वो तो आपने खुद ही किया है, तो उसको क्या देखना? वही तो मजा आता है खुद को देखने का। अच्छा, सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप फीलिंग। बहुत अच्छी बात है, अपने आप को प्यार करना अच्छी गल है। अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छे आर्टिस्ट बनना है ना, तो तुम्हें फिल्में देखनी पड़ेगी अच्छी। अच्छा। हाँ, क्यों नहीं, ऐसा मतलब जरूरी नहीं। हाँ, पर देखो तो अच्छी बात है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? पर जरूरी नहीं है, मतलब मैंने भी कहाँ फिल्में देखी थी, हमारे तो टीवी भी नहीं होता था। अच्छा। हाँ, कई बार हमने गाना सुना होता है लेकिन फिल्म नहीं देखी होती। हाँ। तो मेरे साथ भी बहुत होता है ऐसा, पर हाँ क्योंकि अब मैं 10 साल से शो कर रहा हूँ अपना, बड़ा ब्लेस्ड हूँ कि मैं पूरी इंडस्ट्री को मिल चुका हूँ। फिर आप यू नो रिसर्च भी करते हो। सही है, सही है। आप तो गाना भी बहुत अच्छा गाते हो। अलोन गाना है, मैं पता कितनी बार सुन दी है, कसम लगे कैमरा आ गया, मैं मजाक नहीं करूंगी। अभी भी कौन सा गाना चल रहा था? ये नहीं कि आप आ रहे हो इसलिए, मैं रोज यही गाना सुनती हूँ, और जब आपका रिलीज भी नहीं ना हुआ था तब भी मेरे पास ये गाना पहुंच चुका था। हाँ, मुझे पता है क्योंकि आप और गुरु एक वीडियो शूट कर रहे थे। हाँ। उससे पहले जो आपका बड़ा अच्छा वीडियो है आपका। हाँ। वो भी बड़ा प्यारा गाना है। कॉलेज का किस्सा ही सुनना है। कॉलेज का किस्सा क्या है यार, हमारे कोई किस्सा,
हम तो मुंबई में आके हमने देखा है, मतलब ऐसे लड़के लड़कियां बाइक पे घूम रहे हैं, है ना। अच्छा। पेरेंट्स को भी मिलवा देते हैं, हमें तो पता नहीं, ज़्यादा ज़्यादा नूडल वाली दुकान पे बैठे हैं, वहीं पे भी डर लग रहा था तो पुलिस ना आ जाए। अब पता चला जाके कि ये कोई क्राइम नहीं है, बैठ सकते हो आप। पुलिस वाले आ भी जाते थे, मतलब ऐवें चपेड़ मार देने, चलो ये तुझी से, मतलब पता नहीं क्यों तो। लेकिन वो अच्छे थे, लेकिन ज़माना डर डर के प्यार करने का मज़े। हाँ एक्चुअली इनोसेंस में ना वो बड़ा मज़ा होता है। जैसे मैं इनोसेंट हूँ ना वैसे। आप बहुत प्यारी हैं। इनोसेंट नहीं मैं कह सकता, इनोसेंट भी हो मतलब, पर शरारती हो आप, शरारती हो। हाँ मैं बड़ी शरारती हूँ, पर पता नहीं क्यों लोग की इनोसेंट इनोसेंट, मैं नहीं इनोसेंट हूँ, इनोसेंट नहीं, ठीक है। मैं बहुत शरारती हूँ, होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अगर तुम शरारती नहीं होंगे तो लोग तो तुम्हें लूट के वैसे ही खा जाएंगे। हाँ। मैं थोड़ी ऐसे लुटवा लूंगी कुछ भी। तलवार रखा करो इधर, साड़ी पहनती है साथ में। शनाज पढ़ी कहाँ आप? मुझे अब क्यूरियोसिटी होगी जानने की। मुझे लगा कि आप पटियाला चंडीगढ़ साइड से हो आप, मुझे पता नहीं था ब्यास से हो। तो कहाँ पे, कौन सा कॉलेज था आपका? मेरा जो मैं पढ़ी हूँ डलहौजी। अच्छा, अमीर फैमिली से आप? मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या होती है, जब बंदा स्कूल में जाता है तो कभी किस बेवकूफ ने बताया ही नहीं कि पढ़ ले है? और क्या, हॉस्टल में थे, टाइम पास नहीं होता था, तो फिर किताबें क्या ही रट्टे मार के पेपर दे आते थे, और पेपर भी आँख उख मार के कर दे, वो पीछे से आ जाती थी शीट। अच्छा। लिख ले दी सी, तो वेट करनी पड़ती थी, जब आधा आधा घंटा रहता था तो फिर मिल जाती थी, सेटिंग भी होती थी। अच्छा, पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदनाम कर रही हैं आप। नहीं, पहले की बात नहीं है ये, वो तब तो ओल्ड टाइम है ना ये, अभी तो नहीं, तो बहुत, अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, अब तो कुछ चीटिंग भी करता है पकड़ा जाता है। ओल्ड टाइम कितना है, मतलब कितना ओल्ड होगा? अभी तो किया अपने कॉलेज? नहीं अभी क्या, 2010 की बातें बता रही हूँ। हाँ चलो। नहीं कॉलेज नहीं, स्कूल की बातें, जैसे मैं स्कर्ट होती थी ना तो ऐसे सारा कुछ लिख लेती थी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, जैसे टीचर। तो हमारी तो और मजबूरी थी, हम तो स्कर्ट भी नहीं पहन सकते थे, देखो आप, हमने तो बताऊँ सबसे बेस्ट जो जराबें होती है ना। हाँ। इधर ऐसे करके जराबों के नीचे लिख लो, इतनी खूबसूरत लड़की और स्कीम में देखो कौन सी दे रही है, इधर डाल लो इधर, पता है ऐसे करते थे लड़के भी बहुत सारी ने। हाँ। इधर पर्ची डाल ली, पर कईयों की प्रॉब्लम ये होती थी कि अच्छा अकबर का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से निकालना है, बाबर का आएगा तो यहाँ से निकालना है, हुमायूं का आया तो यहाँ से, उसके लिए फिर एक और पर्ची होती थी कि ये बताए जो कि बाबर कहाँ है और हुमायूं कहाँ है ना, कई बार होता ना कि हाँ कंफ्यूज। हाँ मैं पता क्या करती, बाबर अंडरवेयर। अच्छा कहते मैं तो कम नंबर आ जाए भले ही नकल नहीं मारनी, तो मैंने नकल नहीं मारी कभी, मारने भी नहीं देता था यार कोई, पता नहीं क्यों। नकल के लिए भी दिमाग चाहिए जो सबके पास नहीं होता, मेरा डॉल्फिन से भी ज्यादा है। डॉल्फिन का ज्यादा होता है? हाँ अभी बात हो रही थी, डॉल्फिन का बहुत ज्यादा दिमाग होता है, जानवरों में सबसे ज्यादा डॉल्फिन का दिमाग होता है। अच्छा। तो मेरा उससे भी ज्यादा है। अच्छा। हाँ। हाय रब्बा, बट मैं एक गल दसा। हाँ जी। मैं जदों एक बार क्या हुआ, मेरा ना भाई ना चीटिंग करता पकड़ा गया, मारी। अच्छा पूरा फैमिली तोड़ी चीटर है? कली पैन ही नहीं, भाई भी लगा हुआ है। तो ना मेरे भाई ने ऐसे चीटिंग करता पकड़ा गया, और मुझे कहते इसकी बहन को बुलाओ, तो मेरे को बुला लिया, उसके बेचारे के दो लगे हुए जोर से। अच्छा। मतलब वो थल्ले मुंह करके बैठा, तो मैथ वाला टीचर वो बोलता है ये देख लो क्या हरकतें कर रहा है, तो मैंने कहा अच्छा, मैंने उसका मन शबाज अगली बार अच्छे से करना कि मतलब पकड़ा ना जाए। अच्छा। तो वही फालतू टॉपिक है, और ज़्विगेटो के बारे में बताओ। वाह यार ये मेरी स्विचिंग बड़ी अच्छी लगी है, सीधी नकल मारने सीधा। तो ज़्विगेटो हमारी खुद की लिखी हुई है, हमने कहीं से नकल नहीं मारी है सबसे पहले तो ये। हाँ। कि ये बड़ी प्यारी फिल्म है एक्चुअली, और नंदिता मैम ना मैं उनका फैन रहा हूँ, वो एज एन एक्टर भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, और एज एन डायरेक्टर भी जब उन्होंने फिल्में बनाई जैसे फिराक बनाई, मंटो बनाई, तो लोगों को लगता है शायद मैं कॉमेडी करता हूँ टीवी पे, तो मैं हमेशा कॉमेडी फिल्में देखता हूँ, मैं बड़ा सीरियस थिएटर देखता हूँ, सीरियस प्लेज फिल्में, यू नो सस्पेंस मूवीज, मेरे को अच्छी मूवी देखना अच्छा लगता है, ज़बरदस्ती नहीं की है ना। तो मैं उनका फ़ैन तो था ही, पर मुझे कभी पता नहीं था कि वो मुझे देख लेंगी एक दिन और मुझे अप्रोच करेंगी, पर अच्छा रहा एक्सपीरियंस। मैंने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल फेस्टिवल अटेंड किए, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गए हम लोग। वाओ। फिर साउथ कोरिया तो मैं मेरी बीवी को भी लेके गया, मैंने कहा देख मैं, हम लोग अमेरिका कनाडा है ना ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हर जगह शोज होते हैं हमारे, साउथ कोरिया में नहीं होते हैं। अच्छा। क्योंकि इंडियन आई थिंक नाम मात्र ही है वहाँ पे, बहुत कम है शायद, तो
पर वहाँ पे गए हम लोग और लोगों ने इतना प्यार दिया मूवी को देख के, मैं बड़ा खुश हो रहा था पता है। मैं मेरी वाइफ बैठे हुए इधर, ऑलमोस्ट सारा हॉल जो था साउथ कोरियन जितने भी लोग थे, जर्नलिस्ट भी थे बीच में, वो लोग इन्जॉय कर रहे थे सबटाइटल के साथ देख के। अच्छा लगता है ना, आपके काम को कोई अप्रिशिएट करता है, उनको तो नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, हम तो एक दूसरे को जानते हैं अपने देश में, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़ा आया करके। अब भी मतलब लोगों का ट्रेलर को देख के भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छा लगता है। मैं सारे कमेंट पढ़ रहा था, अच्छा, पर अब नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मेरा तो पढ़ा नहीं कमेंट, मैंने कांग्रेचुलेशन सारी इंडस्ट्री को रिप्लाई किया है, मैंने ट्रेलर पे कमेंट किया कांग्रेचुलेशन, नीचे कमेंट ही नहीं डाला थैंक यू शनाज। वो तो अप्लॉज वालों ने डाला है ना उनके चैनल पे। नहीं, मैंने आपको फॉलो करती हूँ ना, आपके नीचे मैंने कांग्रेचुलेशन बोला अपना टाइम निकाल के। किस पे, इंस्टाग्राम पे? हाँ, आपके ट्रेलर के नीचे। ओहो, ट्रेलर तो 5-10 जगह पे घूम रहा है, मैं आपने किसके नीचे कमेंट कर दिया? ऑफ कोर्स आपके नीचे करूंगी। और किसके नीचे? इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे। हाँ? अच्छा, थैंक यू, मैं चेक करूंगा। हाँ? एक्चुअली क्या, जिस दिन से ट्रेलर आया ना, हम लोग कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, तो मैं मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि मैंने सारे ही पढ़े कमेंट, थोड़े ही पढ़े मैंने, मैं अभी जाके पढ़ूंगा। कट कर देना, ठीक है? मेरे को अच्छा नहीं लगता जब कमेंट नहीं करता कोई वापस, एप्रिसिएशन चाहिए होता है ना कि हाँ मैंने नोटिस किया। अब क्योंकि पता है क्या है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता पर्सनली, बंदा कई बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है पर्सनली, जब हम किसी को मैसेज करते हैं या फोन करते हैं, मैं, मेरे पास आपका नंबर भी है, मैं कर सकती हूँ आपको, बट मुझे कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या वाइफ के साथ किसी, क्या मतलब, जब वाइफ हो जाती फिर नहीं गर्लफ्रेंड होती? एक मिनट, सारा दिन तुम आप अपने शो में सिर्फ फ्लर्ट ही करते हो, कोई आगे उसको पकड़ के जो जो नचोड़ते हो, जो नचोड़ते हो, फ्लर्ट ही कर जा रहे हो। मतलब यार वो ऐसे ही, मतलब वो स्क्रिप्ट में होता है, वो ऐसा थोड़ी ना कि मैं हर किसी के साथ ही मजाक करता। अच्छा, स्क्रिप्ट में नचोड़ते हो? हां, स्क्रिप्ट मतलब ऐसे, मेरे को चैनल ने बोला, पता आप बिलीव नहीं करोगे। हां, बोलते आप बीच में ना शादी के बाद ना, मेरे को ना थोड़ी शर्म आने लग गई कि यार मैं ना कोई आई है हिरोइन तो मैं क्या बोलूं। हां, उसके बाद जब दो बच्चे हो गए तो फिर तो मैं बिल्कुल ही सीरियस हो गया है ना, तो वो वाला एंगल में जाता नहीं था, सीधी सीधी फिल्म की बात करनी। हाँ। या और कहीं, तो उन्होंने मेल पे भेजा कि आपका ना वो जो वो चीज़ है वो मिस कर रहे हैं हम, तो ये हमारा सर्वे है। तो मैं क्या, ये एक मेल की कॉपी मेरी बीवी को भी भेज दो ताकि उसको बुरा ना लगे। अच्छा। उसके बाद मैं क्या, फिर मैं भारत का रोमांटिक पक्षी हूँ मैं। अच्छा। हाँ, मैं रोमांटिक पक्षी। हाँ, जैसे राष्ट्र पक्षी मोर है। हाँ। वैसे मैं भारत का रोमांटिक पक्षी। आपके पंख कहाँ लगे हैं? वो मैं छुपा लेता हूँ। हाँ। दो कप क्यों रखे आपने? यार मैं तो पहले पी रही थी। तो ये वाले में क्या है फिर? इसमें शो केस। वाह, पूरा मतलब ब्रांडिंग पूरी अच्छी है आपकी। शो बनाया इदा ही। अच्छी बात है, धीरे धीरे क्या पता कपिल शर्मा जैसे बन जाए शो। नहीं नहीं, आपका शो बड़ा अच्छा है, यूनिक है, अपने मजा आता है आपकी बातें सुनके। यार मैं तो अगर थोड़ा, मैंने कहा कपिल शर्मा, मैंने अपने आपको अगर मैंने कुछ कहा है तो उसको लो ना, बोलो। नहीं, अच्छी बात है। अच्छा, सारे शो में हम पागलों वाली बातें करेंगे, कोई ढंग की बात भी करेंगे? तो बोलो आप, ढंग की बात कर लो, मुझे तो आती नहीं है। चलो कोई बात करते हैं बाहर की, इंटेलेक्चुअल बात करते हैं कोई। ठीक है, हम दोनों ही ना, हम दोनों इस चीज के लिए जाने मशहूर है, बदनाम भी है कि हम लोग हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं। आप मेरी बात सुनो, आपकी मूवी कब रिलीज हो रही है? 17th। तो मैं प्रमोशन पे कब आ रही हूँ? ओ, प्रीमियर पे कब आ रही हूँ? प्रीमियर हम लोग करेंगे 15th और 16th को, दोनों में से जो आप फ्री होगा आ जाओ, मुझे बुला लेना। डेफिनेटली, मैं आपको अभी भेजता हूँ। अभी भेजना मुझे, आज कितनी, मैंने ऑलरेडी, आप अभी देखो अजय, मैंने शहनाज का तूने बोला था ना, देखो आप ऑलरेडी लिस्ट में, सो स्वीट, देखो आप हमारे दिल में हो, ऐसा नहीं है कि। और बताओ, कॉफी बैठी नहीं हूँ यार, प्लीज सारी पी के, और मुझे अभी इतनी सी देनी है तो इसमें भर के रख देते मेरी, और मैं क्लियर कर दूँ, आपकी इमेज क्लियर कर दूँ, मेरे शो से ही होगी। गाइस, कपिल शर्मा जो भी फ्लर्ट करते हैं लड़कियों के साथ अपने शो पे, वो स्क्रिप्टेड होता है, बट बंदे में टैलेंट ये है कि जो स्क्रिप्ट दी जाती है वो अपने तरीके से निभाई जाती है, मतलब फन तरीके में, ठीक है? तो वो जो वो है ना, कोई भी लड़की आती है, हीरोइन आती है, तो वो सीरियस मत लेना इतना, ऐसे ऐसे करके मत बैठना कि आई एम द बेस्ट, क्योंकि मजाक कर रहे होते हैं, ठीक है? क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ बहुत प्यार करते हैं, गिन्नी के साथ। हाँ जी। और आपकी तो शादी हो चुकी है ना जिविगेटो में? जिविगेटो में? हाँ। हाँ, उसमें तो मेरे बच्चे भी हैं बड़े बड़े। हाँ, तो क्या मतलब थोड़ा सा ट्रेलर के टाइप में स्टोरी बताओ थोड़ी। तो ये कहानी है एक आदमी की जो डिलीवरी बॉय है, और पेंडेमिक में जब कोरोना 2-3 साल रहा, बड़े सारे लोगों की नौकरियां गई ना जब। हाँ। तो
फैक्ट है ये यूनिवर्सली, मतलब सबके साथ ऐसा हुआ। तो ऐसा आदमी है जिसकी बेचारे की नौकरी चली गई और उसको मजबूरी में, शायद वो किसी फैक्ट्री में सुपरवाइज़र रहा पहले, अच्छी जॉब करता था, फिर उसको डिलीवरी बॉय की जॉब करनी पड़ रही है और अपना परिवार पालता है वो, दो बच्चे हैं उसके जो उसने अपनी तरफ से मेहनत करके किसी अच्छे स्कूल में भेजता है वो। तो स्वीट स्टोरी है, चार दिन की कहानी है ये और मज़ा आएगा लोगों को देख के। मुझे भी बहुत मज़ा आया वो उसको शूट करते हुए। पता, मैंने बड़ी देर बाद वो हम लोग बोलते ना, हम लोग अपनी रूट से जुड़े हुए हैं, जुड़े क्या होता है जब आप इन टच रहते हो उन सब लोगों के साथ। मेरी भी कोशिश होती है मेरे कॉलेज के स्कूल के यार दोस्त जितना मिलो, क्योंकि हम लोग ना यहाँ पे आके बड़े मैकेनिकल हो जाते हैं, घर से निकले शूटिंग पे, शूटिंग से घर, अब वो सब चीज़ें तो हम करते नहीं हैं, है ना, फिर रोड पे जाके कुछ मस्ती। तो ये फिल्म करते हुए मुझे बड़ा मज़ा आया। वो खुशबू पता मेरे को 18-20 साल बाद पता चली, जो जिन घरों में हम रहते थे ना कि अपने घर में पालक बन रही है तो बगल वाले के चिकन बन रहा है, और मिक्स से होके खुशबू नहीं आती थी आपको, है ना, क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे आसपास घर होते हैं। तो वो वाला फील आया मुझे जब भुवनेश्वर में हम लोग शूट कर रहे थे, एक बस्ती में हम लोग शूट कर रहे थे, तो वो कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही है कहीं से, है ना, बाहर तार में कपड़े, जिस घर में हम लोग शूट कर रहे थे रियल लोकेशन, मुझे बड़ा मज़ा आया। अच्छा। अमृतसर वाले दिन याद आ गए। सो काम में आपको मज़ा आया तो ऑब्वियसली लोग भी इंजॉय करते हैं। बट वो जो ज़्विगेटो है, अगर आपको सच में डिलीवरी करना एज अ कपिल शर्मा जाना पड़े, आपका नाम क्या है उस फिल्म में? मानस, नाइस नेम। बट अगर कपिल शर्मा को जाना पड़े उधर डिलीवरी करने घरों पे सच में ज़्विगेटो की, तो कितने पैसे लोगे? सच क्या जवाब दूं मैं इस बात का? मैं 70 करोड़ 70 रुपये 70 करोड़ मेरे को क्यों देगा कोई रोटी खाने के? वो पीटेगा नहीं मुझे लिटा के उधर। 70 रुपये और कपिल शर्मा कितना बड़ा झूठ बोलता है, मतलब है कि है तू लिखा है करी ना एक्सपेक्ट किया, सारा क्रेडिट ले जाता अपने ते। दोस्तों ये अपनी टीम में जो इनके राइटर हैं उनको डांट रही हैं ये। हाँ। तो ये बड़ा मजेदार शो है, मतलब ये देखो चलते शो में बीच में आ रहा है। पता क्यों? हाँ। इसने क्या पता है? कॉलेज में मेरा जूनियर था ये। जो भी था ये गलत जूनियर था। आपने टाई क्यों नहीं लगाई? इसके साथ ऐसे लग रहा है स्कूल का बच्चा आया हुआ है। सीरियसली मैं भी सोच रहा था मैं पहना ना, पहले मैं सिर्फ यही पहन रहा था, फिर मेरी बीवी बोली ये इसके साथ पहनो तुम्हारा क्लीवेज दिख रहा है, मतलब तो क्लीवेज थोड़ा डीप लगा। फिर मैंने, पर मेरे को अच्छा लग रहा था, मैंने शहनाज को पहली बार मिलने जा रहा हूँ, वाओ देखो मैचिंग भी होगी हमारी, देखो आप ब्लू साड़ी, शुक्र है भगवान का मेरी। हम फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डालेंगे आज। वो मेरी गाल सुनो, मुझे पता है आजकल आप बहुत बिजी हो, मैं जल्दी जल्दी खत्म करूंगी ये शो, मेनू बड़ा मजा आ रहा है। सो खाओ, सीरियसली दफा करो, मैं आपको बता दूं ये लास्ट इनका रखो, कल करना बाकी प्रमोशन है, क्योंकि शहनाज गिल के शो में आया ना मूवी हिट है, मैं बोल रही मूवी तो वैसे ही हिट है, उनको भी पता है क्योंकि इतना अच्छा उन्होंने काम किया है, उनको पता ही चल रहा है ना, पता चल जाता है ट्रेलर से क्या चाहिए। भाई आप दे दो इनको, आ जाओ अंदर ही आ जाओ, इनको दिखाओ अपनी शक्ल भी दिखाई दे। राजन ये मेरे साथ बड़े सालों से है, जा ही नहीं रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसकी। तो भैया आज दिखा दो अपनी शक्ल, हम आपको दिखाएंगे। नमस्ते कर रहे हो तो मिलते हैं। सत श्री अकाल जी, बोल रहा था कहता मैं शहनाज गिल मैडम का बड़ा फैन हूं, बता रहा हूं कसम खाओ, इसको मैंने ट्रेनिंग दी हुई कि जो भी मेरे साथ बैठा हो तूने बोलना ही बोलना कि मैं तुम्हारा फैन हूं। नहीं नहीं सीरियसली है ना राजन, हैं देखता है इनके वीडियो? कब देखता है इनके वीडियो? रात को तो देख सोने से पहले, वैसे रात को देखने वाले वीडियो है। शहनाज मेरा, राजन मेरा दोस्त, इधर आ राजन, वो गाना तो सुना शहनाज मैम को, इधर बैठना इधर बैठना राजन, बैठो राजन, राजन वो गाना सुनाओ जो एक दिन ना मैंने देखा राजन ने ना अपनी वाइफ के लिए गाना लिखा, बड़ा स्वीट है, मेरे साथ 15 साल से है। तो मैंने पूछा मैं कहा राजन ये गाना किसने लिखा है, बोलते है मैं कौन सी फिल्म का है, तो अपनी वाइफ को सुना रहा था, बड़ा ही प्यार करता है, इनके 3 बच्चे हैं, बड़ा प्यारा है, हर बार जब भी छुट्टी पे जाता है एक एक्स्ट्रा बच्चा हो जाता है इसका हर साल, तो इतना मतलब प्यारा आदमी है। तो इसने गाना खुद लिखा, खुद ही कंपोज करके, बोलता सर ये किसी फिल्म का नहीं मेरा है, तो मैं सुना बोला 4 लाइनें हो जाए। बम्बई से आईला सैया कहाँ रही गईला, बम्बई से आईला सैया घर का है नहीं आईला, कौन सुतिन के पास कौन सुतिन के पास रात बितावेला, पिया रजनवा पिया सजनवा हो कहाँ मोरे बा। वेरी गुड सजनवा।
पता, मैं तुम्हारी बीवी होता ना, ये गाना सुन के मैं छोड़ ही देता। आधी आधी रात वाली को तू बतिया का बतियावले रहलो, का बतियावले रहलो तू अर संगतिया, चुपके चुपके बात कहो बताई दई सारो से सारी सारी बतिया, राजा रजनवा हो कह मोरे बात मोर साजनवा। वेरी गुड, वेरी नाइस। ताली बजाओ, ने पूरा सुनाएगा। एक लाइन बताओ जो इन्होंने गाई, आपको समझ आई होगी। हाँ, कि रात भर तू कहाँ रहता है, मुंबई की याद आती है मुझे। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं तो कौन से सौतीन के पास आप चले गए पूरी रात बिता है, चाहते हो आप ऐसे गाना में लिखा ऐसे कि हंस तो ऐसे रहे हो जब चोर है आपके दिल में। नहीं नहीं ठीक है, कोई ना, कई बार चलता है, उम्र भी होगी अब। जुगाटो कब आ रही है? 17 मार्च। मेन बात ये थी। तो ये लग रहे हैं इन्होंने बैग डाला हुआ है। और कुछ बात करनी है? ज़िविगेटो सच में ऐसे लग रहा है, यू आर लुकिंग मिडिल क्लास, ही इज लुकिंग राइट नाउ, ही इज लुकिंग पूरा डैशिंग मैन। मिल जाए सही जिसके सामने मैं इंग्लिश बोल लूं, है ना। ज़िविगेटो फिल्म में तो मैं भी साथ में था सर के साथ। आपने भी काम किया है साथ में? था वन शॉट यू डिड। नहीं मेरा कट गया था। कट गया? तुम हर जगह कटवा रहे हो, बीवी से भी कटवा रहे हो तुम, और ऊपर से तुम अपनी कहां कहां से कटवाओगे आप? राजन जा मैडम तेरे पीछे पड़ जाएगी। आपका लेकिन एक बात बोलूं, इधर से नहीं कटेगा, ये पूरा लगेगा। ठीक है, थैंक यू। ओके, टेंशन, थैंक यू सर, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। हां जी, शहनाज गिल वाला मग में रख दूं। कितनी देर का होता है शनाज आपका शो? यार तुसी आपने लंबा खींचा हुआ है, है? और क्या ते कॉफी अगे तो सी अगे तो अपनी लेके आई है ना, तुसी नहीं पहने सर। तो तुसी ना आयो, असी आवांगे तुम्हारे शो पे। चलो ठीक है जी, कैसी देख, हम देखेंगे कि आप हमारी कितनी वो करते हो, क्या खातरदारी जैसे हमने आपकी। आप आओ प्लीज, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप बुलाओ, हम जरूर आएंगे। पक्का? ऑफ कोर्स। अभी आपको फोन आएगा थोड़ी देर में के कपिल शर्मा शो में। हां मतलब हां, मैं बुलाओ, आपके फैन हैं हम। ठीक है, बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं आपको। थैंक यू शनाज, यू आर वंडरफुल, गॉड ब्लेस, जिंदे रहो। मेनू प्रीमियर ते बुलाओ, मैं सीरियसली, डेफिनेटली, मैं नाम लिखा है ऑलरेडी। डन, शुक्रिया जी, थैंक यू। देसी वाइब, देसी वाइब विद शनाज गिल, शी'स गॉट द